नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। जिले में क्रिकेट खेल को बढ़ावा देने के लिए बन रहा है तरफ तेलंगा खड़िया स्टेडियम में बन रहा है टर्ब। गुमला जिले में क्रिकेट को बढ़ावा देने को लेकर देश में भी क्रिकेट का काफी क्रेज है। गुमला में भी इस खेल के लिए दीवाने भरे पड़े हैं। कई बेहतर खिलाड़ी भी हैं, परंतु गुमला में ड्यूज बॉल के लिए टर्ब विकेट नहीं था। इससे खिलाड़ियों को खेल का अभ्यास करने में परेशानी होती थी, परंतु अब यह परेशानी कुछ दिनों की है, क्योंकि गुमला शहर की शहीद तेलंगा खड़िया स्टेडियम में टर्ब विकेट का निर्माण शुरू हो गया है और खिलाड़ियों ने ही टर्ब बनाने में जुटे हुए हैं। अपने सर्व बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैट खेलकर अभ्यास कर रहे थे तो गुमला के खिलाड़ियों ने फाइनल खेल रहे पाते थे, जिसके कारण था तरफ नहीं रहने का कारण। अब गुमला के खिलाड़ी हौसला बुलंद है। गुमला प्रशासन की पहल के बाद टर्ब विकेट निर्माण चालू कर दिया गया है। 15 दिनों में टर्ब विकेट बन जाएगा और आने वाले 5 से 6 महीनों के अंदर अंदर इस तक विकेट का ड्यूज बॉल से प्रैक्टिस चालू हो जाएगा। तब विकेट बनने से गुमला के खिलाड़ियों में खुशी है। रांची से JSCA के तकनीकी पदाधिकारी गुमला पहुंचे थे, साथ में जिला क्रिकेट संघ के कोच ज्ञान प्रकाश भी टर्ब बनाने में शामिल है। खिलाड़ियों का मानना है कि कई बार कहीं बाहर जाकर खेलने जाते थे तो पर्व में अभ्यास नहीं था, जिसके चलते गुमला जिला क्रिकेट खेल में पिछड़ जाते थे। लेकिन अब गुमला के खिलाड़ियों का हौसला बुलंद होने जा रहा है। अब गुमला के खिलाड़ी भी राज्य और अंतर्राष्ट्रीय पर पहुंच सके। वही गुमला के कोच ज्ञान प्रकाश ने बताया कि डर बनने से यहां के खिलाड़ियों को पूरा अभ्यास करने का भी मौका मिलेगा और बाहर में भी जाकर अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। वही खिलाड़ियों का भी मानना है कि अब किसी समय भी खेल होगा तो गुमला खेला जिला खेल का नगरी भी है और खेल के नाम पर रोशन करेंगे। क्या होगा, बैट्समैन हम लोग स्टर्प में बाहर जाते तो आजकल सब कुछ हो गया, एलिट हो गया है, एलिट में भी टर्फ यूज होने लगा है, तो बैट्समैन लोग सब यहाँ पे सिर्फ मैट में खेल खेल के बहुत प्रॉब्लम भी होता है। वहाँ पे जाते हैं बैट्समैन तो समझ ही नहीं पाते कि पिच कैसा है, उसमें ड्राई है कि उसमें कुछ समझ नहीं आता वहाँ पर खेलने में। तो अगर यहाँ पर बन जाए तो स्टार्टिंग से स्टेप से ऊपर से अगर बैट्समैन यहाँ पर खेलना सीख जाएगा तो वहाँ पर काफ़ी दिक्कत नहीं होगा, वहाँ पर तमिल हो सकता है, इंप्रूवमेंट काफ़ी अच्छा होगा बैट्समैन को, कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बढ़ेगा इससे बैट्समैन लोग को, बॉलर लोग को भी समझेगा पिच कैसा होता है, तो ये काफी अच्छा डिसीजन है। क्या नाम है? मोतीलाल साहू। ये क्रिकेट मैच के लिए टर्ब बन रहा है, इसका मेन उद्देश्य है गुमला जिला के जितने भी खिलाड़ी है उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए ये टर्ब बनाया जा रहा है। अगर ये टर्ब बनता है तो भविष्य में यहाँ के लड़के और अच्छा खेल का प्रदर्शन दिखा सके, इसलिए ये टर्ब बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ज्ञान प्रकाश। ये था कि यहाँ पे जैसे मैट में क्रिकेट खेल के फिर बाहर जाते थे डिस्ट्रिक्ट खेलने के लिए, तो वहाँ पे लड़के को उस टाइप का, मतलब जैसे यहाँ पे मैट पे थोड़ा बॉल ज़्यादा बाउंस होता है और टर्फ में उस टाइप का होता नहीं है। यहाँ पे आदमी बैकफुट में खेल खेल के बैकफुट टाइप का प्लेयर बन जाता है और वहाँ पे आगे फ्रंट फुट में खेलना पड़ता है ज़्यादा बॉल, जिसके कारण वहाँ पे थोड़ा दिक्कत होता है खेलने में। और यहाँ पे टर्फ बनने से इस चीज़ का फायदा होगा कि वहाँ जिस तरह का कंडीशन मिलेगा यहाँ से प्लेयर प्रिपेयर होके जाएगा वहाँ पे खेलने के लिए, टीम में शामिल हो सकता है जरूर। अगर यहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस होगी तो जरूर है कि प्लेयर अच्छे निकलेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस देंगे अपना, तो जरूर रणजी ट्रॉफी और स्टेट के लिए अपना रिप्रेजेंट कर पाएंगे। क्या नाम हुआ? यमुना कुमार झा।